ओम गुरुभ्यो नमः ओम गणपतये नमः ओम हनुमतये नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं आज का राशिफल 7 जुलाई 2024 द्वितीया रविवार 7 तारीख। जिनका भी 7, 16 और 25 का जन्म है उनके लिए आज बड़ा सुइटेबल रहेगा। और यहाँ पर जिनका भी नंबर 9, 18 और 27 उनके लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आज रविवार संडे और संडे का हो तो धनु राशि के लिए ये घातवार, वृश्चिक के लिए घातवार, कन्या के लिए रविवार घातवार और मिथुन के लिए रविवार घातवार, सॉरी 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 मैं गलत बोल दिया, रविवार मेष के लिए ये घातवार रहता है मुख्य। तो बाकी ये लोगों का जिनका नाम बोला इनके लिए शुभवार है। मैं घातवार की जगह में शुभवार बोल दिया, माफ करिए। तो रविवार मेष के लिए घातवार बनता है। और द्वितीया का द्वितीया तिथि, तो द्वितीया तिथि में ये घात तिथि जनरली ये बनता है। आज का दिन ये मिथुन और कर्क के लिए ये घात तिथि बनता है, तो इनके लिए बहुत ज्यादा गुड नहीं है। और द्वितीया तिथि में यहाँ पर जो कंबर्सन है, यहाँ इसको अगर देखते हैं तो ये द्वितीया में धनु और मीन का कंबर्सन रहेगा। तो ये घर जिसके भाव के लिए भी पड़ रहा है तो स्वाभाविक बात है यहाँ उतना ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। और धनु और मीन वालों के लिए थोड़ा सा थकावट का भी दिन यहाँ पर रहेगा। इसका अधिपति द्वितीया का तो ब्रह्मदेव हैं, तो ब्रह्म देवता का स्मरण करके आज का दिन का काम शुरू करें तो सफलता मिलेगा। और आषाढ़ शुक्ल तो ये स्थिति है। और ऐसे द्वितीया तिथि में शुक्ल का शीघ्र फल शुभ लाभ, अच्छा आज के दिन में जो भी कार्य कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपको फल मिलेगा, अच्छा है। अब वर्तमान आज का जो तिथि है ये द्वितीया योग हर्षण करण बालभ और नक्षत्र पुष्य नक्षत्र आज रात्रि तक रवि पुष्या पड़ रहा है। तो रवि पुष्या का कलेक्शन बिल्व जड़ वगैरह और अर्घ इत्यादि के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, तो आप लोग कर सकते हो, अच्छा तिथि है। और इसके बाद ये नक्षत्र बड़ा ऑस्पिशियस नक्षत्र है, हर प्रकार के मतलब कोई भी प्रमोशन, दूसरे के लिए उपकार और ऑकल्ट साइंस के लिए और तंत्र मंत्र यंत्र के लिए, गुप्त विद्या के लिए बड़ा कारगर है। यहाँ सूर्योदय 5:29, सूर्यास्त 7:22 PM, चंद्रोदय 6:27, चंद्र अस्त 8:48 PM, ऋतु वर्षा चंद्र राशि कर्क, शक संवत 1946, कलि संवत 5124, विक्रम संवत 2081, दिनमान 13:53:09 और आज का अभिजीत 11:58 से लेकर 12:53 तक, और राहु काल 5:38 PM से लेकर 7:22 PM तक, दिशाशूल पश्चिम। राशिफल वृषभ कर्क कन्या तुला मकर और कुंभ में रहेगा। नक्षत्र बल अश्विनी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु पुष्या अश्लेषा मघा उत्तर फाल्गुनी चित्रा विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती में रहेगा। जैसे कि आज रविवार है तो मिथुन लग्न अस्त उदय में रहने वाला है। सूर्य का होरा 5:29 से लेकर 6:38 तक, और इस समय का जो स्थिति रहेगा इसमें मिथुन वृश्चिक के लिए अष्टम और कर्क के लिए द्वादश, इनके लिए ज्यादा सुइटेबल नहीं रहने वाला है। शुक्रवार उसके बाद कर्क लग्न में शुक्र का होरा 6:38 से लेकर 7:48 तक, और बुध का होरा 6:48 से लेकर 8:57 तक। तो यहाँ पर एक स्मूथ स्लो डाउन एनर्जी दिखाई देगा। वाम स्वर में स्वर के साथ काम करते हैं तो सफलता मिलने वाला है। उसके बाद सिंह लग्न में चंद्रमा 8:57 से 10:07 तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एंड एक फ्रिकलनेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिंह लग्न में 10:07 AM से लेकर 11:16 तक ये शनि का होरा रहेगा। मकर के लिए अष्टम और कन्या के लिए द्वादश, इनके लिए सुइटेबल नहीं रहेगा। उसके बाद कन्या लग्न में बृहस्पति का होरा 11:16 से लेकर 12:25, इन नॉट गुड एनर्जी दिखाई दे रहा है। उसके बाद मंगल का होरा 12:25 से लेकर 1:35 तक दक्षिण स्वर में काम में सफलता और उग्रता के साथ चलेगा।
तुला के लिए ये द्वादश रहने वाला है और कुंभ के लिए अष्टम रहेगा, इनके लिए ज्यादा सुइटेबल नहीं रहेगा। उसके बाद तुला लग्न में सूर्य का हो रहा 1:36 से 2:40, थकावट और ब्रेकडाउन एनर्जी। उसके बाद बुध का हो रहा 3:54 से लेकर 5:03 तक, एक हैजी एनर्जी दिखाई देगा। इसमें भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एक स्मूथ एनर्जी और बामसुर में सफलता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक में चंद्रमा 5:03 से लेकर 6:13 तक, यहाँ पर कंप्लीटली स्लो डाउन और थकावट के साथ बड़ा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये लग्न होरा के बाद आज का नक्षत्र का बारे में तो बता दिया, और इस नक्षत्र का कार्य भी बता दिया, हर प्रकार का शुभ कार्य में इत्यादि। कर्क राशि है तो मेष राशि के लिए चतुर्थ चंद्रमा आज आपका एनर्जी थोड़ा सा डाउन रहेगा मानसिक लेवल पे। देखिए काम तो चंद्रमा ही कराता है, तो यहाँ चंद्रमा फियर फोबिया में चला जाता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा काम यहाँ ये नहीं करता है, तो यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो फोर्थ चंद्रमा फियर एंड कॉन्फिडेंस में कमी और कहीं ना कहीं गलत डिसीजन। वृषभ के लिए तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट, यहाँ पर 70 से लेकर 90 तक का आपको ऊर्जा मिल सकता है, अगर मेहनत करते हो तो अच्छा है। यहाँ पर अच्छा एनर्जी के साथ काम भी बढ़िया बनता है और मन फ्री भी रहता है, पराक्रम में वृद्धि रहता है। तो मिथुन लग्न के लिए बात करते हैं, द्वितीय चंद्रमा धन वाणी परिवार स्वगृही होने के कारण उतना ज्यादा तो डैमेज नहीं करेगा, लेकिन पाप ग्रह दृष्टि वाला चंद्रमा है तो बहुत ज्यादा फ्लू फ्लो भी देने वाला नहीं है। परिवार वाणी धन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे सकता है। कर्क लग्न के लिए बात करते कर्क राशि कर्क लग्न के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा का 70% गुड एनर्जी के साथ बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं, 70% का एनर्जी के साथ चलते हो, 30% परेशानी हो सकता है संभवतः तो यात्रा इत्यादि में। सिंह के द्वादश चंद्रमा खर्चा टेंशन तनाव मन में कुछ परेशानी दिखाई देगा और कुछ ज्यादा ही यात्रा इत्यादि का मानसिकता बनेगा। कन्या के लिए बात करते हैं, लाभ चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड 90% का नंबर। तुला के लिए दशम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग के साथ 80 से 90 नंबर के लिए आज का दिन का एनर्जी चल रहा है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं, नवम चंद्रमा राहत भरा कंडीशन रहेगा, लेकिन धनु के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्वाभाविक बात है, अष्टम चंद्रमा कार्य में बाधा, मानसिक तनाव और कई प्रकार के परेशानी दे सकता है। हालांकि कहीं फ्री काम हो भी जाए तो शाम तक देखोगे कि कोई फायदा नहीं हुआ। मकर के लिए बात करते हैं, सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती फ्री फ्लो के साथ आपको चलने वाला है, तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कुंभ के लिए, तो छठा चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड यहाँ भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ढैया का पुल है, झोल झमेला झंझट झगड़ा कुछ ज्यादा ही वृद्धि होते हुए मानसिक तनाव कुछ लोगों का दिखाई देगा, कुछ लोगों का फ्री फ्लो रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। मीन के लिए बात करते हैं, तो ये पंचम चंद्रमा यहाँ पर विवेकहीनता और गलत निर्णय का संभावना, थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। पुष्या नक्षत्र का अगर बात करते हैं, तो ये शनि का नक्षत्र अश्विनी निवेश मघा सिंह मूल धनु, तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र तारा में जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। वर्ण में पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्व सड़ा धनु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा में जा रहा है, साधन रहिए। कृतिका मेष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तर सड़ा धनु मकर आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में जा रहे, बढ़िया रहे। रोहिणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकर आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा 50% गुड के साथ। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा बहुत बढ़िया है। आद्रा मिथुन स्वाति तुला सत विशा कुंभ विपद तारा पे रहेगा, थोड़ा सा सावधानी रहना है। पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वृश्चिक भाद कुंभ मीन संपद तारा टॉप गुड बेस्ट। पुष्या कर कुंभ वृश्चिक उत्तर भाद पद मीन जन्म तारा बहुत बढ़िया। अश्लेषा कर ज्येष्ठ वृश्चिक रेवती मीन मित्र जोन पे रहेगा। तो ये था नक्षत्र फल होरा फल तिथि फल बार फल। वास्तु के लिए बात करते हैं, तो आज दोनों पूर्व और दक्षिण दोनों एंट्रेंस अगर वास्तु के अनुसार है तो यहाँ पर स्मूथ रहेगा, और अनबैलेंस है तो कहीं ना कहीं झोंझल झड़प दिखाई देगा। पश्चिम और उत्तर वालों के लिए थोड़ा सा कम दिखाई देगा, उतना ज्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन पूर्व अगर दक्षिण और पश्चिम वाला प्रॉब्लम है तो उनके लिए कुछ वास्तु की समस्याएं, घर में कुछ झोलझल झमझमेला झंझट झगड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का राशिफल तिथिफल बारफल नंबरफल न्यूमरोलॉजी फल वास्तुफल और नक्षत्र फल पुष्य नक्षत्र का। और जो लोग कलेक्शन वगैरह करना चाहते हैं गुरु के आदेश के अनुसार कर सकते हैं, बढ़िया दिन है ये।